नेता जी ने बैरिकेड तोड़ा। मुजफ्फरपुर में जनप्रतिनिधियों में धक्का धुक्की। नीतीश ने मंच से कहा जिसे सभा नहीं सुननी वह चले जाए। हरी में बस हादसा टला, बाल बाल बचे यात्री। दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रही बस गड्ढे में उतरी, पेड़ का सहारा मिलने से नहीं पलटी। बांका गैस सिलेंडर ब्लास्ट, सीएम नीतीश कुमार ने व्यक्त किया शोक। मृतकों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। सड़सठवीं परीक्षा के लिए 4 और सीटें बढ़ाई, 5वीं बार बढ़ी पदों की संख्या, अब बढ़कर 798 हुई। 66वीं परीक्षा में 2 पद घटाए। कोसी रेल पुल प्रोजेक्ट पूरा, बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। दोहरीकरण व विद्युतीकरण का काम पूरा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। सीनियर डिवीजन लीग शुरू, क्लासिक ने दिव्य दृष्टि को 14 रनों से दी मात। रोहित ने मारा अर्धशतक। प्रमाण पत्र नहीं, डॉक्टर के पर्चे पर लगेगी प्रिकॉशन डोज। 60 प्लस वालों के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज के 90 दिन बाद खुलेगा कोविन पोर्टल। एमएमसीएच के डॉक्टर और कर्मचारी समेत 19 की रिपोर्ट पॉजिटिव, 46 हुए एक्टिव केस। गांव में भी पहुंचा कोरोना, अस्पताल का दावा तैयारी है पूरी। बिहार में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक पार्कों में ताला। ओमिक्रॉन को लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर सरकार ने बढ़ाई सख्ती, बिहार में बढ़ा अलर्ट। 3 जनवरी से भरे जाएंगे पटना विमेंस में परीक्षा फॉर्म, सेमेस्टर 1 और 3 की छात्राएं भरेंगी फॉर्म। बीएड और पीजी के लिए 1500 रुपए परीक्षा शुल्क। मिश्रा का बड़ा बयान, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर जनता को भटकाने की कोशिश ना करे। रोहतास में एमपी के ट्रक मालिक का मर्डर, हाईवे पर अपराधी लूटपाट की कोशिश कर रहे थे, विरोध करने पर मारी गोली, साथी की हालत गंभीर। बैंकिंग फ्रॉड में ईडी ने मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मी के उड़ाए थे 22.40 लाख, 5 करोड़ से अधिक का हुआ था फ्रॉड। मुजफ्फरपुर में जमकर गरजे नीतीश, कहा बेटियों को कोई तंग करे आज किसी में ये हिम्मत नहीं। हरी में बस हादसा टला, बाल बाल बचे यात्री। दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रही बस गड्ढे में उतरी, पेड़ का सहारा मिलने से नहीं पलटी।